यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बताता हूँ, पहले इस कुत्ते को यहाँ से भगा। ये कुत्ता नहीं है साहब, ये तो डॉग है। कुत्ता देसी होता है, ये मलाइती है। हाँ हाँ जो भी है, पहले इसको यहाँ से भगाओ भाई। मैं इसे साथ ले जाता हूँ। ओह हाँ याद आया, नल्ली मेम साहब ने आपको ऊपर बुलाया है अपने कमरे में। चलो मलाइती बाबू। नलनी जी आपने मुझे। इधर आओ जीवन, बताओ इनमें से मैं किस ड्रेस में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी? खूबसूरत तो मैं वैसे भी लगती हूँ, मगर तुम्हारी पसंद जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है जी। शादी होगी तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वरना उम्र भर कुंवारी बैठी रहना। अब यार माफ करना, उम्र भर कुंवारी बैठे रहना अपने बस का रोग तो है नहीं। इतने में तुम दिख गए, सोचा अच्छी लड़कियों को अपने डैडी की बात मान ही लेनी चाहिए, तो मैंने तय किया कि मैं अपना जीवन जीवन यानी कि तुम्हारे साथ गुजारूंगी। हाँ तो मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? जी मेरी मानिए तो इनमें से कोई भी ड्रेस मत पहनिए, बल्कि वो जो पहना हुआ है ना उसे भी उतार दीजिए। यू बदमाश, सॉरी आने में कुछ देर हो गई, दरअसल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई थी। आओ चले। कम ऑन बॉय। सो जीवन तुम्हें आए कितनी देर हो गई? जी यही कोई घंटा आध घंटा। हाय डैड। हेलो डार्लिंग। हाय जीवन। भाई जीवन को आए इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक इसकी कोई खातिरदारी नहीं की? हाँ जी इन्होंने मेरी इतनी खातिरदारी की कि। हाँ तो जीवन साहब क्या कह रहे थे आप? जी यही, क्या आप मेरी खातिरदारी कैसे करती? आपको तो मालूम ही नहीं था कि मैं आया हुआ हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी, हाँ क्या बात है? सर आपने जो इनलार्जमेंट बनाने दी थी वो ले आया हूँ। थैंक यू। डैडी किसका फोटो है ये? डाकू जागीर सिंह का। आसपास के इलाके में यही एक डाकू बचा है जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। जागीर सिंह तिजोरी की चाबी निकाल। दुर्जन तिजोरी से सारा माल निकाल लो। जागीर सिंह ये नहीं चाहता कि किसी औरत पर गैर मर्द का हाथ पड़े। अपनी पत्नी से कहो अपने जेवर उतार के लाखन के हवाले कर दे, लेकिन मंगलसूत्र रहने देना। बेबे बच्चा जिए या मरे उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। लाखन ताबीज रहने दे। लेकिन सरदार मैं कहता हूँ ताबीज रहने दे लाखन। जागीर सिंह तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। Yeah.
मैं ठीक हूँ, तू उनको रोक। लेकिन सरदार, तू उनको रोक। जागीर सिंह, डाकू जागीर सिंह, यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपकी शरण में आया हूँ, पुलिस मेरे पीछे, बस आज के दिन मुझे छुपा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में डाकुओं के लिए जगह नहीं है। मैं डाकू जरूर हूँ, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं, इंसानियत के नाते आज मुझे पनाह दे दीजिए, सिर्फ आज के दिन। सुनिए, आज तक आपने किसी को वापस नहीं लौटाया, मान जाइए ना, शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। नमस्ते। नमस्कार ठाकुर साहब। डाकू जागीर सिंह भागता इधर कहीं आया है। अच्छा, और मुझे उम्मीद है यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ की तलाशी ले सकता हूँ। हाँ, शौक से लीजिए, आइए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दरोगा जी, आ कैसे आना हुआ? जी वो ठाकुरान जी, मैं गुस्सा की माफी चाहता हूँ। ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे तकलीफ का है कि? नमस्ते जी। अच्छा, ठाकुर साहब, आज आप दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान भूल नहीं पाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी में एक बार आपका यह एहसान उतारने का मौका मिले मुझे। अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो पहाड़ी पर काली का मंदिर, वहां आकर 3 बार घंटी बजा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जहन्नुम में। बहुत अच्छी जगह है, बैठो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू, मुझे दौड़ने की आदत है। अब यार तुम बहसबाजी बहुत करते हो, जब मैं कह रही हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? वो तो हो नहीं सकता ना। हो जाए शर्त। कितने कितने की? इस बात की कि तुम आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी। वो तो हुई तुम्हारी बात, और अगर शर्त मैं जीत गई तो आइंदा मैं तुमसे बहस कभी नहीं करूंगा। मैं एक शरीफ खानदान की इज्जतदार लड़की हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ प्लीज आकर बैठ जाओ, और एक तुम हो कि बीच बाजार में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। की गल है कुड़िये? ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ओए खोतेदा पुत्रा, कुड़ी वेख के हाथ पाणा तू? क्यों भाई, लड़की को छोड़ते शर्म नहीं आती? क्यों बेटा टकोरी के, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे ओ, सुबह सुबह बेवड़ा भी आई क्या? हाँ? अबे साले शर्म नहीं आती तुझे? अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो, वो लड़की मजाक कर रही है भाई साहब। ओ मेरी चाची, तू जीती मैं हारा।